भरद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, पहले नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ नेक टू नेक चल रहा है, बीजेपी भी शतक पार कर चुकी है, आप लोग लेकिन रुझानों में आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बेफिक्र रहिए, मेयर जो है आम आदमी पार्टी की बनेगी। जिस तरीके से पिक्चर दिख रही है कि अभी लग रहा था कि रुझान में जिस तरीके से आप लोग बहुत फॉरवर्ड जा रहे थे, लेकिन जब बीजेपी शतक पार कर रही है तो क्या चल रहा है दिमाग में आप? अभी तो पहला मतलब कि पोस्टल बैलेट हुआ है, ठीक है, ईवीएम का शायद पहला जो है राउंड वो चल रहा होगा। अभी ट्रेंड जो है 3-4 राउंड्स हो जाएंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल वन साइडेड आएगा। पार्टी दफ्तर में आप पहुंचे हैं, तैयारियां हम देख रहे हैं, आगे किस तरीके से तैयारियां फॉरवर्ड होंगी? देखिए, ऑफिस को पूरा सजाया गया है, थोड़ी देर में जब ट्रेंड थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, अरविंद जी आएंगे, मनीष जी आएंगे, सारे हमारे कैंडिडेट्स जो है वो आएंगे, MLAs आएंगे और यहाँ पे सब मिलके खुश। कितनी सीट की उम्मीद आप लोग कर रहे हो? मेरा मानना है कि हम चल रहा है, मेरा मानना है हम 180 क्रॉस करेंगे और 220 पहुँचे हैं, 230 पहुँचे नहीं मालूम, बट 180 क्रॉस करेंगे। और कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस तो देखिए है नहीं, बीजेपी को काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ झूठ के सहारे जो है चुनाव नहीं जीत सकते, काम करना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल से मुकाबला है तो काम पे ही चुनाव होगा। हमारे साथ बातचीत करने साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी से जीतना है तो काम करना पड़ेगा और इसीलिए इस वक्त रुझानों को लेकर आश्वस्त किया, अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ेंगी। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।